सबके विरुद्ध NBW और बयाती की कार्यवाही की गई है और आगे भी कार्यवाही की जा रही है। जो भी विधिक प्रक्रिया है, गिरफ्तारी की या न्यायालयीय प्रक्रिया है, उन सब प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। बुलंदशहर में 3 दिसंबर को हुई हिंसा प्रकरण में अब तक पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए करीब 20 लोगों को पकड़ लिया है, जिनमें कुछ लोग नेम्ड हैं और बाकी जो वो लोग हैं जो अज्ञात में शामिल थे। यही एक बात और बतानी जरूरी हो जाती है कि यहाँ करीब 6 लोगों ने अब तक आत्मसमर्पण भी कोर्ट में जाकर किया है। इस तरह से कुल 26 लोग अभी तक जेल पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और चिंगरावटी के नवयुवक सुमित का जो कातिल है वो कौन है, जबकि अभी भी मुख्य आरोपियों में से योगेश राज और शिखर अग्रवाल पुलिस की पकड़ के बाहर हैं। श्रीपाल तेवतिया, ETV, बुलंदशहर।